गरीबों और वंचितों के साथ ही अजय कुमार लल्लू को मिलेगा न्याय। योगी आदित्यनाथ गरीब विरोधी मानसिकता और राजनीतिक कायरता का दे रहे हैं परिचय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने मौन प्रतिवाद रखा। रामपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी समाधि पर जमा हुए और गांधी प्रतिमा के आगे मौन रखा। आज पूरे प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए मौन प्रतिवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करने के खिलाफ सेवा सत्याग्रह चला रही है, जिसके तहत पिछले 7 दिनों में 25 लाख जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया। आज रामपुर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में हमने यहाँ गांधी प्रतिमा के आगे मौन रखा है। ये मौन प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए रखा है, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को बेगुनाह फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया और वो पिछले 20 मई से लगातार जिला कारागार लखनऊ में हैं। हम प्रदेश सरकार की इस गरीब विरोधी मानसिकता का विरोध करते हैं, मौन रखते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाई भी हो, लेकिन हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि वो हमारे साथ सत्य करेगा। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे इस बारे में। आज हमने प्रदेश सरकार के खिलाफ गांधी समाधि रामपुर में गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धारण करके अपना विरोध प्रदर्शित किया है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो जुल्म और जाति को उतारू है, गरीबों का शोषण कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की जो बेगुनाही के समक्ष हम लोगों ने अपनी समस्या का रखा है कि जो गरीब असहाय मजदूरों की मदद कर रहे थे उनके खिलाफ जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और तमाम कांग्रेसजनों पर जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं वो उन्हें तुरंत वापस लिया जाए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को रिहा करा जाए। आज हम यहाँ गांधी समाधि पे माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठे हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और आज भी जारी है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे मौन व्रत रख के हमने ये प्रदेश सरकार को यह एहसास दिलाया है और प्रदेश सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अजय कुमार लल्लू जी को रिहा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके ले गई है और जानबूझकर तानाशाह रवैया अपना रही है। हमारी मांग है कि ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद की, प्रवासी छात्रों की मदद की, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। मैं प्रदेश की राज्यपाल महोदया से मांग करता हूँ कि श्री अजय कुमार लल्लू जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें फौरन रिहा किया जाए। ठीक है सर, चले।